हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज क्रिश खेलोजी। सो वेलकम बैक टू द क्रिश खेलोजी चैनल। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। ओके, सो लाइक ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर ये देखो ये मैं जो वीडियोस बनाने जा रहा हूँ लाइक न्यू वीडियोस, लाइक हम लोगों ने एक प्रीवियस में एक लेक्चर्स बनाया था लाइक 2-3 डेज अगोस। सो लाइक ये टॉपिक के बेसिस पे लाइक मैं जो कंटिन्यूस लेक्चर्स अभी मैं जो बना रहा हूँ। सो अगर ये देखो लाइक अगर ये वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और लाइक वही वीडियोज आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। ओके, अगर आपको लाइक पसंद आते हैं लाइक तो मैं देखो इसके अंदर इजी टू इजी लाइक सॉल्यूशंस लेके आया हो, तो वो इजी सॉल्यूशंस आपको पसंद आएगा यार, मेरा 100% गारंटी है। और ये 100% गारंटी के साथ बता देता हूँ आपको कि लाइक 1 बाय 1 जो लाइक साइड बाय साइड में जो टॉपिक के अंदर एंट्री करूँगा और वो सारे टॉपिक्स आप लोग अंडरस्टैंड कर दोगे। ओके मिस, लाइक यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, कोई भी अगर क्वेरीज भी रहेगा तो मैंने कमेंट सेक्शन में बोला है आपको कि लाइक अगर आप कोई भी लाइक थोड़ा भी इश्यूज होता है तो थोड़े भी कहाँ पे क्वेरीज आते हैं तो आप लोग वहाँ पे डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे लाइक इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। तो व्हाट इज अ सर्वलेट? ओके, सो लाइक लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक व्हाट इज एंटरप्राइज जावा और एडवांस जावा। सो मैंने बोला था कि लाइक एडवांस जावा का लाइक बेस्ट अगर लेटेस्ट वर्जन देखा जाए तो एंटरप्राइज जावा बोलते हैं। मीन्स अगर दोनों में देखा जाए दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मीन्स दोनों भी सिमिलर ही है। सो लाइक एंटरप्राइज जावा और एडवांस जावा हम लोगों ने बोला था कि एडवांस जावा और एंटरप्राइज जावा कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करना है। सो लाइक एंटरप्राइज जावा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेवल एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। बिजनेस लेवल मीन्स लाइक हाई लेवल एप्लीकेशन जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग एंटरप्राइज जावा यूज करते हैं। एडवांस जावा भी लाइक वही सिमिलर ही है, सिर्फ उसके फीचर्स और इसके फीचर्स थोड़े कॉमन भी रहेगा और लाइक थोड़े एक्स्ट्रा भी रहेगी जो एडवांस जावा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो उसके अंदर का टॉपिक हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। लाइक हम लोगों ने बोला था कि लास्ट टाइम के इसके अंदर हम लोग सर्वलेट देखेंगे, जीएसपी देखेंगे, ईजेपी देखेंगे, हाइबरनेट देखेंगे, स्टर्ट देखेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग लाइक कवर करने वाले हैं, और ये टॉपिक में से हम लोग फर्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। ओके, तो पहले बात करते हैं कि लाइक सर्वलेट क्या होता है और सर्वलेट का यूज क्या होता है। ओके, सो लाइक सर्वलेट इज बेसिकली वेबसाइट एप्लीकेशंस, और मैंने लाइक लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि एंटरप्राइज जावा और एडवांस जावा जो हम लोग यूज करें इसका बेसिकली यूज क्या है, तो एक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए। मीन्स एक वेबसाइट अगर बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और लाइक मैंने ये भी बताया दिया था कि हमें जावा एक यूज करना है यहाँ पे, लाइक एंटरप्राइज जावा एक यूज करना है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, बट इतने सारे ऑप्शन में से मैं सिर्फ सिंगल ऑप्शन से लेकर वो भी एक जावा। तो उसका भी एक रीजन है, अभी हम लोग देखेंगे ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया जाता है और ये टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, मीन्स मैं अगर कोई वेबसाइट यहाँ पे बना देता हूँ तो वेबसाइट में मेरे लिए क्या फीचर्स रहेगी, एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम लोग सर्वलेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वलेट एक वेबसाइट टेक्नोलॉजी है, मींस सर्वलेट का यूज होता है सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाने मींस वेब एप्लीकेशंस बनाए, तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है सर्वलेट। ओके, तो सर्वलेट का मेन प्रोसीजर कैसे होता है, देखो लाइक सर्वलेट भी एक टेक्नोलॉजी है, वैसे इसके पहले और एक टेक्नोलॉजी आता था उसका नाम था CGI। CGI मीन्स क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ओके, सो लाइक ये भी एक टेक्नोलॉजी था और सर्वलेट भी एक टेक्नोलॉजी है। मीन्स लाइक अगर ओल्ड जनरेशन में देखा जाए तो CGI यूज कर देते हैं, बट लाइक लेटेस्ट जनरेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे सर्वलेट यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, लाइक CGI अगर मैं यूज करता हूँ तो CGI का यूज क्या रहेगा, और अगर सर्वलेट में यूज करता हूँ तो सर्वलेट का बेसिकली यूज क्या रहेगा। देखो अगर लेटेस्ट जनरेशन में लाइक अभी लाइक करंट जनरेशन में अगर आप देखोगे तो लाइक CGI का भी ज्यादा यूज होता नहीं है, और मोस्टली लाइक ज्यादा से ज्यादा मोस्टली मैक्स पर्सन वो लोग क्या करते हैं, सर्वलेट को यूज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर मोस्टली बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो CGI जो मैंने बोला कि CGI एक कॉमन गेटवे इंटरफेस। ओके, तो ये भी एक सर्वलेट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर मैं कॉमन गेटवे इंटरफेस क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं सर्वलेट क्यों यूज कर रहा हूँ, तो उसका भी एक रीजन है। बिकॉज ये भी एक देखो ये जो मैंने बोला कि CGI करके ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका भी यूज बहुत लाइक जैसे ओल्ड जनरेशन में था तो ओल्ड जनरेशन में इसका बहुत कुछ यूज होता था लाइक वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। बट अगर आप अभी देखोगे तो अभी हम लोग सर्वलेट यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज इसके पीछे अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ कि लाइक CGI और सर्वलेट, तो वहाँ पे आपको CGI के बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलेगी ओवर दी सर्वलेट। ओके, सो लाइक सर्वलेट के अंदर जो एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं वो हमें CGI के अंदर नहीं मिल सकते। इसके लिए CGI में देखो लाइक क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर मैंने बोला कि लाइक सर्वलेट को हमें प्रिपेयर करना है, मीन सर्वलेट को हमें यूज करना है, लाइक CGI को यूज नहीं करना है, तो CGI के क्या डिसएडवांटेजेस है, क्यों हम लोग सर्वलेट को यूज कर रहे हैं। तो देखो सीजीआई का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होता है कि हमें क्या करना पड़ता है। देखो हर एक वेबसाइट में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। मींस क्लाइंट क्या करता है, कोई भी प्रोसेस करता है ऐसे या लाइक वेबसाइट एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो वेब पेजेस की जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होती है, तो मींस लाइक उसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट होते हैं, मींस मल्टीपल वेब पेजेस उसे बनाना पड़ते हैं। तो वही वेब पेज बनाने के लिए वो क्लाइंट क्या करता है, हर एक रिक्वेस्ट वो सर्वर को सेंड करता है, और जब भी वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे सर्वर जब भी रिस्पॉन्स करेगा और वही रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो वेब एप्लीकेशन डिस्प्ले करने का काम करता है सिस्टम के ऊपर। मीन्स लाइक हर एक रिक्वेस्ट वो प्रोसेस करना क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर से वहाँ पे रिस्पॉन्स आना। बट अगर आज लाइक कंपेयर करने के हमें सीजीआई के साथ, तो सीजीआई क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। बट इसके अंदर क्या होता है बताएं, लाइक आप अगर पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आप अगर सेंड करोगे लाइक एज अ क्लाइंट टू सर्वर, तो वहां पे क्या होता है वो लाइक सर्वर पे लाइक सेंड होता है, बट उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा, लाइक ये भी लाइक श्योर है कि उसका रिस्पॉन्स वो सेंड भी करेगा लाइक क्लाइंट को। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फिर डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है कि लाइक अगर वहाँ पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स अगर इंक्रीज होती है, मीन्स मल्टीपल क्लाइंट अगर बढ़ते गए या मल्टीपल रिक्वेस्ट आते गए, तो उसका जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो हो जाता है। मीन्स रिस्पॉन्स देना है वो क्या कर देता है, लाइक अवॉइड कर देता है। मीन्स देखो लाइक एज अ क्लाइंट अगर मैं कुछ वेबसाइट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो वेबसाइट एप्लीकेशन में क्या है, मैंने एक सर्वर से रिक्वेस्ट किया और वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। बट यहाँ पे कैसे होता है सीजीआई में, अगर जितने सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट आप करोगे उतने रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये रिस्पॉन्स आपको नहीं करेगा। बट इसका सर्वलेट में अगर एडवांटेज पॉइंट देखा जाए, तो सर्वलेट में मल्टीपल जितने चाहे उतने रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, और वो हर एक रिक्वेस्ट के बेसिस पे आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके लिए हम लोग सर्वलेट बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज पॉइंट अगर हम लोग देखे जाए, तो कॉमन गेटवे इंटरफेसेस के अंदर हर एक रिक्वेस्ट के लिए हर एक प्रोसेस बनाया जाता है। हर एक प्रोसेस में देखो, अगर मुझे समझो लाइक 50 to 100 रिक्वेस्ट सेंड करना है सर्वर को, तो वो रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकता हूँ। मैंने बोला कि लाइक मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उतना उसका सर्वर डाउन हो जाता है, मींस स्लो हो जाता है उसका प्रोसेस। तो लाइक इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे होगा, लाइक वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या कर देता है, जितने रिक्वेस्ट रहेगा कॉमन गेटवे इंटरफेस के अंदर, वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस बना देता है। और इसके अंदर देखो जो सीजीआई है ना, इसके अंदर लिमिटेड प्रोसेस होते हैं। मीन्स इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, मीन्स लाइक 4 to 5 प्रोसेस। तो इतने प्रोसेस सिर्फ हम लोग पे यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं एज अ सर्वलेट से कंपेयर करूं लाइक एज अ एडवांटेज पॉइंट, तो आपको सर्वलेट में दिखेगा यहाँ पे कुछ लाइक लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, और कितने भी अगर क्लाइंट के रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे बढ़ते या इंक्रीज होते हैं, तो भी यहाँ पे सर्वर का रिस्पॉन्स आपको लो होने वाला नहीं है। मीन सर्वर का रिस्पॉन्स सबसे फास्ट रहेगा। तो हम लोग देखेंगे लाइक नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट रहेगा या नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि सर्वलेट का मेन एक्चुअल वर्किंग कैसे रहता है, मीन सर्वलेट का लाइफ साइकिल कैसे होता है, कि कैसे वो एक्चुअल वर्किंग करता है, मेन उसका फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड करता है, कैसे उसके क्लाइंट के रिक्वेस्ट सेंड किए जाते हैं और सर्वर से उसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। ये सारी चीज हम लोग उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट। तो अभी हम लोग आते हैं मेन सर्वलेट के ऊपर, कि जो सर्वलेट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ सीजीआई के साथ, तो सीजीआई में इतने सारे प्रोसेस है। देखो पहला डिसएडवांटेज पॉइंट देखा हम लोगों ने कि जितने मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी उतना रिस्पॉन्स उसका स्लो हो जाएगा। सेकंड देखा कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए उसको हर एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, बट इसके अंदर लिमिटेड प्रोसेस होता है। तो मोर देन लाइक बोलते ना कि एक लिमिटेड टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोसेस बना सकते हैं। बट उसके आगे अगर हम लोग प्रोसेस बनाए तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सीजीआई का एक लिमिटेशन है। और थर्ड डिसएडवांटेज अगर देखा जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मींस जो लाइक हमें प्लेटफॉर्म यूज करना है, लाइक कहाँ पे हमें इसको एग्जीक्यूट करना है सॉफ्टवेयर को, लाइक यहाँ पे अगर कुछ वेबसाइट बनाओ तो वेबसाइट को कहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि हर एक बेसिस पे हम लोग सिर्फ उसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक ये बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बस अगर सर्वलेट को मैं कंपेयर करूंगा तो वो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मींस आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक बेसिकली देखो अभी एडवांटेज मींस क्या है यहाँ पे, तो एडवांटेजेस में अगर देखे जाए सर्वलेट के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज अगर देखा जाए सर्वलेट के अंदर, तो होता है बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटर परफॉर्मेंस मींस मैंने बोला कि आपको सर्वलेट के अंदर जितने चाहे उतने रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, और हर एक रिक्वेस्ट के बेसिस पे आपको इसको फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। ये होता है फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सर्वलेट। सेकेंड एडवांटेज में अगर आप देखने जाओगे तो उसके अंदर होता है रोबस्ट लैंग्वेज। मीन्स क्या होता है, इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन मीन्स लाइक इसके अंदर जो कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस में लिमिटेशन नहीं है, और हर एक प्रोसेस कहाँ पे भी होने का चांसेस नहीं है। मींस गार्बेज करेक्शंस का कोई भी चांसेस नहीं है यहाँ पे। मींस हर एक प्रोसेस के बेसिस पे यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज किया जाता है। मींस कोई भी अगर रन टाइम एरर आते हैं, तो वो साइज के एरर भी हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो होता है रोबस्ट लैंग्वेज। देन हम लोग बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये थर्ड फीचर है उसका, थर्ड एडवांटेजेस है ऑफ सर्वलेट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए सर्वलेट के अंदर, वो सबसे लाइक फोर्थ वाला पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योर लैंग्वेज। मीन्स सर्वलेट एक इतना बेस्ट सिक्योर लैंग्वेज है कि जिसके अंदर हम लोग जो कुछ टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर रहेगा। मीन्स इसका डेटा अगर एक्सेस करना है तो इसका परमिशन रहेगा एडमिन पॉइंट के ऊपर, तो एडमिन जब तक उसको एक्सेस नहीं करेगा तब तक इसका पॉइंट एक्सेस होने वाला नहीं है। तो देखो ये सारे प्रोसेस मैंने अभी जो बता आपको कि लाइक सर्वलेट आज लाइक सर्वलेट के एडवांटेजेस क्या है ओवर दी सीजीआई कम्युनिकेटिव इंटरफेस, लाइक जो पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए यूज करते थे बट अभी अगर देखा जाए तो अभी ये बेसिकली यूज नहीं करते सीजीआई। तो इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या डिसएडवांटेज पॉइंट है, क्यों नहीं यूज किया जाते हैं। तो सर्वलेट का जो एडवांटेजेस पॉइंट मैंने बताया कि सर्वलेट का बेसिकली यूज है वेब एप्लीकेशन बनाना, बट ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है बट हम लोग सर्वलेट ही मोस्टली यूज करते हैं बिकॉज इसका एडवांटेज पॉइंट सबसे होता है वो सिक्योरिटी। मीन्स हर एक डेटा को सिक्योरिटी पास करना और सिक्योरिटी बेसिस पे हमें डेटा एक्सेस करना। ओके तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल मींस एक्चुअली इसका सर्वलेट का वर्किंग कैसे होता है, इसका फ्लो स्टार्टिंग टू एंड फ्लो कैसे रहेगा, और उसके साथ में आपको प्रैक्टिकली वर्किंग भी करके दिखा दूंगा कि लाइक वो जो लाइफ साइकिल होता है एज अ लाइक क्लाइंट एज अ स्टार्टिंग प्रोसेस लाइक एज अ रिक्वेस्ट टू द रिस्पॉन्स, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है ये आपको एज अ प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको देखना है जिसके वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ लाइक इसका मीन प्रैक्टिकली वर्किंग कैसे होता है। मीन्स ये जो प्रोसेसिंग है जो मैंने आपको बताया कि लाइक क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये सारे प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी और ये सारे लाइफ साइकिल भी आपको समझना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कोड के अंदर। और आप देखोगे अगर जितना भी लाइक एडवांस जावा के अंदर जितना है एडवांस जावा या एंटरप्राइज जावा के अंदर जितना प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है उतना हम लोग इजी करके दिखा देंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भूलना नहीं है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।